أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। السلام عليكم दोस्तों, आज का ब्लॉग करता हूँ जो शुरू। अभी सुबह का 6 बज रहे हैं, तो अभी मैं नमाज पढ़ने के लिए, अभी मेरी नाइट ड्यूटी थी, अभी रात की ड्यूटी करके आया हूँ सुबह 4:30 बजे। तो ईद की तैयारी शारी की है, और अभी तैयारी के बाद अभी मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, तो मिल मस्जिद में, क्योंकि यहाँ पे ईद की नमाज का टाइम है 6:30 बजे। किस अंदाज से रोका जाए, उसे सोच आती है अकेले लगे दिल के अंदर, सोच आती कैसे रोका जाए। सबसे पहले वो हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के पास गया, वो कहने लगा कि और वैसे भी जो जो दिल होती है उनके पास जाती है। नमाज हमने पढ़ ली थी, अब हम वापस घर जाएंगे। जी दोस्तों, नमाज ईद अदा होगी और अब मैं आ गया हूँ घर। तो अभी मैंने की थी नाइट ड्यूटी, और अभी तो मैं जाकर सोने की तैयारी करूँगा, क्योंकि घर के बाद ईद के दिन है, रेस्टोरेंट फील है, इसमें हमें छुट्टी बिल्कुल नहीं होती। तो हमारी बनी है खीर और हम खाएंगे खीर, क्योंकि मैं लेट हो गया था नमाज के लिए, तो मैं इतनी जल्दी से निकल गया था। तो अभी हम सेवैयाँ खाएंगे, फिर हम करेंगे नींद। ईद का सारा दिन तो मैंने सो के गुजारा, और 5 बजे मैं निकला ब्रांच काम के लिए, और अभी मैं इंटर हो गया हूँ F7। माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, ईद का दिन है ना, ठंडा ठंडा मौसम भी है। और ये है हमारी F7 ब्रांच वाली रोड, मेन बटाई रोड F7 की। इस्लामाबाद में दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हल्का सा मौसम ठंडा हो तो सर्दी हो जाती है। ये जी हमारा F7 मरकज़ शुरू हो गया। सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। तो अभी मैं आ गया हूँ ब्रांच, क्योंकि कुर्बानी मैं इस साल नहीं कर सका, तो ऊपर से मुझे कोई ईद की छुट्टियाँ भी नहीं थी। तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद घर वालों से पहुँच गए, गप शप हुई, ठीक है। उसके बाद मैं सो गया था, तो 4 बजे उठा हूँ, 4 बजे के बाद मैं तैयारी करके ब्रांच आ गया हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ अपनी ब्रांच की पार्किंग में, सब राइडर मौजूद हैं, आज इतना रश नहीं क्योंकि ईद का दिन है, सबसे घर में गोश्त है। तो अभी राइडरों से गप शप करते हैं। जैसे मैं ब्रांच में इंटर हुआ, कस्टमर तो नहीं थे, अलबत्ता हमारा स्टाफ देखें, हमारे पास खड़े होने की जगह नहीं है, काम तो है नहीं है, और सब अपने अपने देखें जी, पिछले सारे कट्टे खोल रहे, रिश्तेदारियाँ निकाल रहे हैं, सब अपने अपने दुख और दर्दों में मसरूफ़ हैं। अलबत्ता के मैनेजर तक बाहर बैठे हुए हैं, ब्रांच बिल्कुल खाली, कस्टमर नहीं है। अभी रात 10-11 बजे के बाद ही ऑर्डर आएंगे, ये देखें जी, सब बैग ही बैग पड़े हुए हैं। वो अचानक गायब ही हो गया ना। मगर रहता अभी तक ऑर्डर हमने भाई कहते हैं, कहते हैं हसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वासी जी मुबारक, ठीक हो, ऐसा करने ठीक ने खान ने यहां ने पहन लना ने यार छोड़ दिया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अपना करियर से रेड भाई, ईद मुबारक, जरा सा ये स्टैंड रु लाओ सुना, कहते हो हाफिज ईद मुबारक, खैर मुबारक। ये हमारे काशिफ भाई रेडर हैं, और ये हमारे जैन भाई रेडर है। आज किसी को भी छुट्टी नहीं मिली, किसी को भी छुट्टी नहीं हुई ईद की, तो सब ड्यूटी पे, इसको ले क्या ना इधर, कहीं ना कहीं सब फेरे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं है, लेकिन अंदर ब्रांच में खड़े होने की जगह हमारे पास नहीं है। भाई आए क्योंकि इन्होंने मेरा बैग लगाया था, और उनका बैग मेरे बाइक पे पड़ा है, तो इनका सारे स्टाफ को, सारे राइडरों को बुला रहे हैं न्यू ब्रांच में, मैनेजर को, अभी हम वहाँ जा रहे हैं, और लगता सबको ब्रीफिंग होगी, अच्छा ग्रुप फोटो होगी, दूसरी न्यू ब्रांच का स्टाफ भी बैठा हुआ वहाँ पे। वहाँ में से भरी पड़ी है जी इसकी, रात को 2 बजे देख लेंगे इसका दिन, कस्टमर आज भी नहीं है मेरे पास। और अब करें हमारी न्यू ब्रांच का विज़िट,
अब मैं अपनी न्यू ब्रांच बड़ी वाली ब्रांच में आया हूँ। ये उसका किचन है और अभी मैं उसका सब मुकम्मल विज़िट कराता हूँ आपको। आसमानी बिजली देखें कितनी ज़्यादा चमक रही है। ये रात को 2 बजे बारिश स्टार्ट हुई है और इतनी तेज़ बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश गर्ज चमक के साथ, हमारी छत फुल पानी से भरी हुई है। अभी मैं इसी तेज़ बारिश में घर आया हूँ। पानी देखें कितना है, ये परनाला फुल भरा हुआ पानी का, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये दोस्तों अभी सुबह 5 बजे का टाइम है, ये रात को 2 बजे बारिश स्टार्ट हुई है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है गर्ज चमक के साथ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और इतनी तेज़ बारिश में हम लोग डिलीवरी करते हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कंपनी के चीज़ से लिए डिलीवरी है करनी है। तो हमारे हिसाब में मामूली की बात है, लेकिन बारिश वाकई ही बहुत तेज़ है। और अभी 5 बजे के मैं घर आया हूँ और ये इसका दूसरा रोज है, इसका दूसरा रोज है। बारिश माशाल्लाह बहुत तेज़ होगी और सर्दी होगी इस टाइम। और यहीं पे आज का ब्लॉग करता हूँ एंड, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।